दोस्तों, मेरा नाम है रश्मि सुचान और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसके पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और मेरी वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ उस पर लाइक बटन पर आप क्लिक ज़रूर कर दिया करें और अपना कमेंट भी नीचे छोड़ दिया करें। अगर आप कुछ मुझसे कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में, मेरे चैनल के बारे में, कोई सजेशन देना चाहते हैं रेसिपी के बारे में, तो ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं कुछ। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर काले चने हैं, इनको मैंने पूरी रात भिगोया हुआ था। ये एक कटोरी चने, इनको अच्छे से साफ़ भी कर लिया गया है। और यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको लंबा काट लिया गया है पतला। और एक टमाटर है, इसको बारीक चॉप करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुकर से। और पेस्ट नहीं बना रहे हैं इसको हम, नए तरीके से बनाने वाले हैं आज। तो इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो यहाँ कुकर ले लिया है, अब इसमें हम डालेंगे, गैस को ऑन कर लिया, अब डालेंगे यहाँ पर सरसों का तेल। आज इसे हम बहुत कम तेल में बनाएंगे, बस 3 से 4 चम्मच ही लेंगे, ज़्यादा नहीं। ये रेगुलर जो स्पून होता है खाना खाने वाला, मैंने उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है। तो सबसे पहले डाल देते हैं इसमें हम प्याज। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, प्याज को यहाँ पर पकाना नहीं है, बस मिक्स कर देना है इस तरह से। अब मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दूँगी इसमें कलर के लिए थोड़ा सा, और नमक डाल देंगे यहीं पर, अभी 2 चम्मच ही डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर दे रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सा मसाला, चिकना मसाला बनकर तैयार होता है इस मेथड से। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी, देख रहे हैं आप, बहुत थोड़ा सा ही पानी डाला गया है जिससे कि बस प्याज गल जाए। अब इसमें ढक्कन लगा देंगे और 3 सीटी हाई फ्लेम पर लगा लेंगे जिससे कि ये प्याज अच्छे से गल जाए, और फिर हम ढक्कन को खोलकर मसाला बनाएंगे। मैंने इसकी विसल, जो गैस भरी हुई थी, सीटी निकाल दी है और अब इसको खोलेंगे। और ये देखिए प्याज एकदम अच्छे से गल गई है। और सबसे पहले इसमें डाल लेते हैं थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट हम, इसके बाद ही गैस को फिर से ऑन करेंगे। इस तरह से मसाला बहुत जल्दी बन जाता है। अब गैस को एक बार फिर ऑन करेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसमें, इसको भी सुखा लेंगे हम, और इसको भी मसलते हुए इस तरह से घोटना है, इसके उल्टी साइड से घोटते हुए चलाना है तो चिकना मसाला बनता है। और इससे जो सब्ज़ी में टेक्सचर आता है वो पिसी हुई प्याज और पिसे हुए टमाटर से कभी नहीं आएगा। तो आप एक बार इस तरह से बनाकर देखें चने की सब्ज़ी। तो इसको मसल लेते हैं अच्छे से, ये देखिए। अब इसमें मसाले डालते हैं हम, सूखे मसाले, गैस को धीमा कर लेंगे। सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर स्वाद के अनुसार, हल्दी हम डाल ही चुके हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, आप चना मसाला, छोला मसाला कुछ भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर। और अब डाल देंगे यहाँ पर कटे हुए टमाटर जो कि बारीक कटे हैं, और अब टमाटर को भी इसी तरह से मसलते हुए पकाना है। कुछ इस तरह से मसलना है। लगभग लगभग मसाला तैयार होने ही वाला है, ये देखिए काफ़ी कम तेल में बनाया गया है इसको। मैं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी पाउडर डाल रही हूँ, ये कलर के लिए, इससे रंगत अच्छी आती है सब्ज़ी में। ये देखिए सुंदर सा कलर आ गया है। बस मसाला भुन चुका है अच्छे से, अब इसमें हम डाल देंगे हमारे चने।
फल मिक्स कर देंगे। इसको थोड़ा सा इस तरह से चलाएंगे जिससे कि ये मसाले के साथ अच्छे से फ्राई भी हो जाए। ज़्यादा नहीं, आधा मिनट के लिए इसको चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें पानी डालेंगे, ग्रेवी के हिसाब से जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं उसी हिसाब से पानी आप डालिएगा। पानी का कोई नाप नहीं है यहाँ पर, फिर भी आप 3 गुना पानी तो कम से कम डालिएगा क्योंकि चने पकने में थोड़ा टाइम लगेगा तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी और ग्रेवीदार बनेगी ये सब्ज़ी, तभी चपाती और चावलों के साथ में अच्छी लगेगी। मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा सोडा डालने वाली हूँ। यहाँ पर आप सभी जानते ही होंगे बेकिंग सोडा जो होता है, देखिए इतना थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ जिससे कि चने हमारे काफ़ी अच्छे से गल जाएँ। और इसको मिक्स कर दूँगी, ढक्कन कर दिया है बंद और 4 सीटी लगानी है मीडियम फ्लेम पे जब तक कि चने अच्छे से गल ना जाए। ये देखिए 4 से 5 मैंने सीटी लगाई हुई हैं और यहाँ पर हमारे पास ये चने को एक को देखते हैं हमें पका है कि नहीं पका है। ये बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है और अब हम करेंगे ये कि एक बार फिर से हम गैस को ऑन करेंगे और क्योंकि प्रेशर कुकर में बनाया है तो जो स्टीम है वो निकल जाए और इसको थोड़ा सा बस हाई फ्लेम पर 10 से 20 सेकंड के लिए इस तरह से हम अभी इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही थोड़ी देर तक पकेगा इसके बाद इसका टेस्ट एकदम सेटल हो जाएगा। फिर हम इसमें हरा धनिया मिक्स कर देंगे। ये पक गया है, अब गैस को कर दूंगी बंद। देखिए ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ही ज़्यादा ये पतला है, लेकिन आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। अब इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर दूंगी जिससे कि बहुत अच्छा सा खुशबू तो आएगी ही, स्वाद भी बढ़ जाएगा। ये लीजिए, बनकर तैयार है चने की सब्ज़ी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।